हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लासिक हिंदी से चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। हर दिन हजारों पुस्तकें छपती हैं। अक्षर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने किया है, पर आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक धरती पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का धरती पर राज रहा। 5 लाख साल पहले आदमी ने धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वो खेती करने लगे, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे, तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भाव को व्यक्त करना शुरू किया। काफी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज 6,000 साल पहले। इसके खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखने लगा और वो शब्द कहा जाने लगा। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया, तब इतिहास आरंभ हुआ। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं कर पाता, तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर की खोज के बाद मानव जाति के विकास में तेजी आई।